हाय एवरीवन, एक मैसेज बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ट्रैवल कर रहा है और ये मैसेज है कि अगर आप 140 से शुरू होने वाले नंबर का कोई भी कॉल अगर उठाते हैं तो आपका बैंक अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा एंड आपका बैंक अकाउंट सारे पैसे निकल जाएंगे। और आपको ये उस मैसेज में बोला जा रहा है कि इस तरह के किसी भी कॉल को और किसी भी मैसेज को आपको नहीं ओपन करना और ना ही ये कोई कॉल उठानी है। तो ये जो मैसेज है ये प्रॉपरली इसको अगर बोला जाए तो एक फेक न्यूज़ है, मतलब गलत न्यूज़ है जो स्प्रेड हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक कॉल उठाने से आपका पैसा निकल जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है, हर मोबाइल पे, हर व्हाट्सएप पे, हर फेसबुक पे आपको कहीं ना कहीं ये इस तरह का मैसेज मिल जाएगा। साइबर वर्ल्ड के अंदर इसको फेक न्यूज़ बोला जाता है और इस फेक न्यूज़ को प्लीज़ आगे स्प्रेड नहीं कीजिए, बिकॉज एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस तरह की कोई कॉल्स उठा जब आपके नंबर्स पे आते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल कॉल्स को उठा सकते हो और ऐसा आपका साथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। अब ये जानते हैं कि ये नंबर है क्या। ये नंबर जो है ये टेलीमार्केटिंग नंबर्स होते हैं। नॉर्मली जो लैंडलाइन नंबर होते हैं जो अलग अलग कंपनीज देती हैं, जो यूज़ करती हैं आपको कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए, इंश्योरेंस सेल करने के लिए या फिर किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट या कोई हॉलीडे पैकेज या किसी भी तरह की कोई चीज़ सेल करने के लिए आपको कॉल जो आती हैं वो इसी तरह के नंबर से आते हैं। नॉर्मली ये पैटर्न है 040, उसके बाद एक लैंडलाइन नंबर होता है, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इससे उठाने वाले किसी नंबर से कुछ होने वाला है। तो टेलीमार्केटिंग कॉल है, कुछ आपको इफेक्ट नहीं करने वाला। अनलेस कि अगर कोई इस तरह का कॉल आपके पास आता है और उस पे आपसे आपका OTP मांगा जाता है या फिर आपके आपसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगे जाते हैं या फिर आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या आपका पैन कार्ड या फिर आपके आपको बोला जाता है कि KYC आप अपडेट करा दीजिए अपने अकाउंट की या फिर अपने HDFC अकाउंट की या फिर किसी भी तरह का बैंकिंग अकाउंट है या Paytm या कोई भी ऐसा चीज़ जिसका KYC का के लिए आपको कॉल आए या फिर आपको बोला जाए कि आप ये जीत गए हैं, ये कार जीत गए हैं या फिर आप ये प्रोडक्ट जीत गए हैं, उसके लिए आपको ऑनलाइन KYC करना है, KYC के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर अपने फोन पर डालना है या अपने सिस्टम पर डालना है। तो अगर आप इस तरह की कोई चीज करते हो तो आपके अकाउंट से पैसे जा सकते हैं। मतलब जब तक आप अपने फोन पर कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते जो वो बोल रहा है या फिर अपने आप से कोई अपना OTP या कोई भी कोड पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर नहीं करते, तब तक आपके साथ कुछ ऐसा गलत होने के कोई भी चांसेस नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि ऐसा कोई कॉल आए तो अपनी निजी जानकारी, जो अपना आपका जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको उसको नहीं देना। बिकॉज अगर आप वो देते हो तो आपका डेटा लीक होने के ज्यादा चांसेस हैं, तो आपके साथ कोई ना कोई साइबर क्राइम होने के चांसेस हैं। आपसे आप जब OTP शेयर करते हो वो OTP वो अपने जगह पे अपने सिस्टम पे अपने डालकर आपके अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर लेता है, आपका अकाउंट खाली कर देता है। तो ये जो मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है, ये जो कॉल्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू फेसबुक के जो फेक न्यूज हो रहा है, इसका उससे यही कनेक्शन है कि अगर कोई डेटा देता है तो जाके आपके अकाउंट में कोई फर्क पड़ेगा। अदरवाइज आप एज यूजुअल जैसे आप नॉर्मली किसी कॉल्स को अटेंड करते हो वैसे ही आप इन कॉल्स को भी अटेंड कर सकते हो। अगर आपको वो प्रोडक्ट चाहिए तो देन यू कैन एक्सेप्ट, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बिल्कुल डिनाई कर सकते हो कि मेरे को वो चीज़ नहीं करनी है। तो सतर्क रहिए कि इस तरह की फेक न्यूज से कैसे बचना है। मैं आपको इस तरह की टिप्स और रेगुलर तरीके से ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए एज मच एज यू कैन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि ये फेक न्यूज कैसे स्प्रेड होती है और कैसे उन इस तरह के साइबर अटैक से बचना चाहिए।